शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में पहली बार महावितरण के 3 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव आने पर शहर में खलबली सी मची हुई है। प्रशासन ने 2 दिन की संचार बंदी जाहिर की है, जिसके चलते सभी व्यापारी प्रतिष्ठान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। तीनों मरीज शहर के संत तुकड़ोजी वार्ड क्षेत्र के निवासी थे, इसलिए इस क्षेत्र को आज प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। तीनों रोगियों को सेवाग्राम के कस्तूरबा अस्पताल के कोविड केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये मरीज 20 दिन पहले महावितरण के माध्यम से रायगढ़ जिले के पेन में बिजली मरम्मत कार्य से लौटे थे। चूंकि ये बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, कार्यकारी अभियंता हेमंत पावड़े के निर्देश के अनुसार तीनों कर्मचारियों को वाहन के साथ संस्थागत अलगीकरण में रखे जाने के लिए उप जिला अस्पताल भेजा गया था, लेकिन जांच के दौरान चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें घर पर ही विलगीकरण कर दिया। उनके सहयोगी कोरोना बाधित होने की सूचना मिलने के बाद एक कर्मचारी गायब हो गया, लेकिन उसे कल आधी रात को शिरूर से वनी परिसर में एक खेत में झोपड़ी से हिरासत में लिया गया। इस कर्मचारी के स्वैब को कोरोना जांच के लिए भेजा गया है, हालांकि उनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह 4th कर्मचारी है। इस कर्मचारी की पॉजिटिव रिपोर्ट आने की प्रबल संभावना है। प्रतिबंधित क्षेत्र को पुलिस, नगरपालिका कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और इस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधुरी कुचेवार, तहसीलदार श्रीराम मुंदड़ा, मुख्याधिकारी अनिल जगताप, थानेदार सत्यवीर बंडीवार के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस एवं नगरपालिका कर्मी और राजस्व कर्मचारी युद्ध स्तर पर कोरोना संसर्ग को रोकने की हर हाल कोशिश कर रहे हैं। आपल्याकडे जे रायगड जिल्ह्यामध्ये एक वादळ आलं होतं, तिथे आपल्या एमएससीबीचे काही कर्मचारी काही कामानिमित्त टीम गेलेली होती, त्यातले काही वर्धेला पॉझिटिव्ह आले आणि आपल्या हिंगणघाटचे सुद्धा 7 लोक गेलेले होते, त्यापैकी ते कॉन्टॅक्ट म्हणून आपण इथे होम क्वारंटाईन आधीच केलेलं होतं 1 तारखेला, तिथे परत आल्यानंतर, परंतु 2 तारखेला वर्धेला पॉझिटिव्ह आल्यामुळे आपण यांचेसुद्धा सॉफ घेतले आणि त्यापैकी 3 लोकांचे सॉफ पॉझिटिव्ह आलेले आहे आणि त्या लोकांना आपण लगेच इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करून सेवाग्रामला पाठवलेलं आहे। त्यांचे निकटचे जे लोक आहेत त्यांनासुद्धा आपण इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन केलेलं आहे आणि त्या एरियामध्ये सर्वे आणि इतर सर्व डिपार्टमेंट म्हणजे तहसीलदार साहेब आहे, SDO साहेब आहेत, नगरपालिकेचे CO साहेब आहे, त्यांची टीम आहे आणि माझ्या आरोग्य खात्याची टीम, पोलीस डिपार्टमेंट, बंडीवार साहेब यांच्या सगळ्यांच्या सोबत आम्ही कारवाई करत आहोत।